नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा तमंग प्रधान। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार को किया संबोधित, कहा आधुनिक बुनियादी ढांचे को बनाने के लिए प्रौद्योगिकी में भारी निवेश कर रही है सरकार। प्रधानमंत्री ने कहा सरकार के सभी अहम फैसलों में तकनीक के इस्तेमाल से आसान हुआ है आम आदमी का जीवन। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में हुई वर्ष 2023 की छठी कैबिनेट बैठक। राज्य सरकार के ग्रुप ए और ग्रुप बी पदों की परीक्षाएं कराने के लिए यूपीएससी से किया जाएगा आग्रह। गांव बूढ़ा और गांव बूढ़ी को ज्यादा अधिकार देने के लिए विधानसभा में पेश किया जाएगा बिल। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय की पहल युवा संगम के तहत अरुणाचल प्रदेश के 6 दिन के दौरे पर पहुंचे आंध्र प्रदेश स्थित आईआईटी तिरुपति के छात्र। आंध्र प्रदेश और राजस्थान में शैक्षणिक भ्रमण का आनंद ले रहे एनआईटी अरुणाचल और नैरिस्ट के छात्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि सरकार आधुनिक बुनियादी ढांचे को बनाने के लिए प्रौद्योगिकी में भारी निवेश कर रही है। उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रांति का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचना चाहिए। प्रधानमंत्री ने क्षमता का सदुपयोग, प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए जीवन में सुगमता लाना विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हर बजट में हमारी सरकार ने प्रौद्योगिकी की सहायता से लोगों के जीवन को सुगम बनाने पर बल दिया है। श्री मोदी ने सरकार के बड़े और महत्वपूर्ण निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड, जनधन आधार मोबाइल, ट्रिनिटी, आरोग्य सेतु, कोविन ऐप, रेलवे आरक्षण और साझा सेवा केंद्र जैसी पहलों ने आम आदमी के जीवन को सुगम बनाया है। लोग सरकार को रास्ते की रुकावट नहीं मानते हैं, बल्कि लोग हमारी सरकार को नए अवसरों के कैटालिस्ट के तौर पर देखते हैं। और निश्चित तौर पर इसमें टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आप देखिए, टेक्नोलॉजी वन नेशन वन राशन कार्ड का आधार बनी और इससे करोड़ों गरीबों को पारदर्शिता से राशन मिलना सुनिश्चित हुआ। और दूसरे, जो प्रवासी मजदूर होते हैं, जो माइग्रेंट लेबरर्स होते हैं, उनके लिए तो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद बन गया। टेक्नोलॉजी जन जन जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल, इन तीनों के कारण करोड़ों गरीबों के बैंक खातों में सीधे पैसा भेजना संभव हुआ। उसी प्रकार से टेक्नोलॉजी, आरोग्य सेतु और कोविन ऐप उसका एक महत्वपूर्ण साधन बनी और इससे कोरोना के दौरान ट्रेसिंग और वैक्सीनेशन में बड़ी मदद मिली। हम देखते हैं आज टेक्नोलॉजी ने रेलवे रिजर्वेशन को और आधुनिक बनाया और सामान्य से सामान्य मानवी को इसमें कितना बड़ा सिरदर्द दूर हो गया। कॉमन सर्विस सेंटर का नेटवर्क भी गरीब से गरीब व्यक्ति को टेक्नोलॉजी के माध्यम से सरकारी सेवाओं के बड़ी आसानी से जोड़ रहा है। ऐसे अनेक फैसले लेकर हमारी सरकार ने देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाई है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में आज ईटानगर स्थित सिविल सचिवालय में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए गृह विभाग के सलाहकार और प्रवक्ता न्यामर कारबाक और न्यातो दुकोम ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि कैबिनेट ने राज्य सरकार में ग्रुप ए और ग्रुप बी के सभी पदों की परीक्षा कराने के लिए संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी से आग्रह करने का फैसला किया है। श्री कारबाक ने बताया कि विधानसभा के बजट सत्र में गांव बूढ़ा और गांव बूढ़ी जैसे स्थानीय संस्थानों को ज्यादा अधिकार देने के लिए मौजूदा कानून में संशोधन के लिए बिल पेश किया जाएगा। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में
प्रोटेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कैचमेंट एरिया बिल भी लाया जाएगा। कैबिनेट बैठक में अरुणाचल में होने वाली परीक्षाओं में अनियमितता रोकने के उपायों पर बिल लाने को लेकर भी चर्चा हुई। पब्लिक एग्जामिनेशन में मेजर फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स ऑफ रिक्रूटमेंट एक्ट 2023 जिसके तहत आने वाले समय में ऑनलाइन माध्यम से, फिजिकल माध्यम से और सभी लोगों से विचार कर एक ऐसा असेंबली में बिल या एक्ट लाने का गवर्नमेंट विचार आज किया है और इसको आने वाले समय में आप सबके बीच में दोबारा रखा जाएगा। और दूसरा डिसीजन, आज का कैबिनेट ने जो डिसीजन लिया है वो ये कि अरुणाचल में जितने भी ग्रुप ए और ग्रुप बी पोस्ट जो अरुणाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो APCS में जो कंडक्ट होता था उसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को, UPSC को पूरा एग्जामिनेशन की जिम्मेवारी को आगे एज पर आर्टिकल 315/4 के तहत यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कि उसे दिया जाएगा। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो आज कैबिनेट ने डिसीजन लिया है, अमेंडमेंट ऑफ असम फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस रेगुलेशन 1945 असेंबली में, इस बार का असेंबली में इसे लाया जाएगा, इसमें अमेंडमेंट किया जाएगा। दिस इज स्पेशली फॉर द लोकल बॉडीज जो हमारे गाँव में गाम बुरीज जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, लोकल इंस्टीट्यूशन है, इसे मजबूत करने के लिए, आज लोकल इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने यह डिसीजन लिया है कि इन लोगों के हाथ में और पावर और रिकॉग्निशन का आवश्यकता है, इसको इन्हेंस करने के लिए सरकार ने यह डिसीजन लिया है। ईटानगर में आज समग्र शिक्षा के वार्षिक कार्य योजना और बजट को लेकर एक दिवसीय राज्य स्तरीय समीक्षा और विचार विमर्श के लिए विशेष बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैनात शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में बजट के अनुरूप शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के विषयों पर चर्चा हुई। तो हमारा एनुअल वर्क प्लान एंड बजट जो साल में एक बार बनता है समग्र शिक्षा का, तो जिसके लिए हम कंसल्टेटिव मीटिंग, मतलब उस समय हम एडवाइजरी मीटिंग था और एक रिव्यू मीटिंग था, लेकिन उस मीटिंग को हम कंडक्ट नहीं कर सका, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ा है। अप्राइजल हमने ले लिया है इनसे, डिस्ट्रिक्ट का जो प्लानिंग है उसको कम्प्लीट हो गया और जो स्टेट प्लानिंग जो है अभी चल रहा है। लेकिन आज का मीटिंग हम इसलिए रखा है क्योंकि हम लोग जो पिछले 19-20 ईयर से हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, तो हमारा एजुकेशन सिनेरियो चेंज हो, लर्निंग आउटकम चेंज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सेचुरेशन हो, लेकिन इतना साल करने का बावजूद भी हमारा एजुकेशन का, स्कूल का कंडीशन ठीक नहीं हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? और लर्निंग आउटकम तो वहाँ का वहाँ रह रहा है और हमारा नेशनल लेवल में PGI रैंकिंग में कम पड़ रहा है, तो ये सबको हम लोग मद्देनज़र रखते हुए कि कहाँ में प्रॉब्लम कहाँ है, तो उस प्रॉब्लम को हम लोग ढूंढने के लिए जितना डिस्ट्रिक्ट का DPC है और DDSC है इनको हम बुलाया। अल्टीमेटली दे आर द ग्राउंड वॉरियर्स ना, तो जैसे BRC है, CRC है, एजुकेशन जितना सेटअप जो, क्योंकि वो उनको डायरेक्टली पता है, तो इसलिए हम इनको यह बुलाए कि आज कंसल्टेटिव मीटिंग कर रहे कि हम प्लानिंग कर रहे ये। आगामी 25 मार्च को ईटानगर में होने वाली G20 कार्य समूह की बैठक में शामिल होने वाले डेलीगेट्स के प्रस्तावित तवांग दौरे को लेकर आज तवांग में एक एडवांस सिक्योरिटी लाइजन मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें DIG सिक्योरिटी अमित रॉय और जिला उपायुक्त KN दामो सहित अन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में G20 डेलीगेट्स के तवांग दौरे को लेकर सुरक्षा सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई। आज
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। भौतिक वैज्ञानिक सर सीवी रमन ने वर्ष 1928 में इसी दिन रमन इफेक्ट की खोज की थी। वर्ष 1930 में इस खोज के लिए उन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। भारत की G20 अध्यक्षता के आलोक में इस वर्ष के विज्ञान दिवस का विषय है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर सभी वैज्ञानिकों और अन्वेषकों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा कि भारत विज्ञान की दुनिया में बड़ी प्रगति कर रहा है और अनुसंधान तथा नवाचार के लिए एक व्यवस्था का पोषण कर रहा है। विज्ञान दिवस के अवसर पर ईटानगर स्थित अरुणाचल प्रदेश साइंस सेंटर में राज्य सरकार के सहयोग से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों के लिए कई मनोरंजक शिक्षण गतिविधियां आयोजित की गई। अंदर दुबई में ना फ्लोटिंग हो रहा है, दुबई है ना। आपका किसी का पास कोई आइडिया होगा उसको डूबने नहीं देना। आप घर में बैठे कर सकते हैं, डूबना नहीं। तो ये जो क्या हुआ नहीं, ये ना दुबाव है ना, इसको हम उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की पहल युवा संगम के तहत सोमवार को आंध्र प्रदेश के 60 छात्र नामसाई पहुंचे, जहां स्थानीय विधायक चाओ जिग्नू नामचुम और एवरेस्टर तागित सोरांग सहित कई अन्य गणमान्य लोगों ने उनसे संवाद किया। युवा संगम कार्यक्रम के तहत आंध्र प्रदेश में स्थित IIT तिरुपति के छात्र अरुणाचल प्रदेश के अपने 6 दिवस के दौरे के दौरान गोल्डन पगोडा, परशुराम कुंड, डोंग विलेज, किबिथू, काहो और वालोंग सहित कई अन्य महत्वपूर्ण जगहों का दौरा करेंगे। युवा संगम कार्यक्रम के तहत आंध्र प्रदेश के दौरे पर गए NIT और अरुणाचल प्रदेश के छात्र ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के विभिन्न स्थानों की सैर कर रहे हैं। इसके अलावा वे दक्षिण भारतीय भोजन का भी आनंद ले रहे हैं। अरुणाचल के छात्र अपने आंध्र प्रदेश दौरे को लेकर काफी खुश है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत युवा संगम के तहत निर्जुली स्थित नेरिस्ट के छात्र राजस्थान दौरे पर गए हैं। राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नेरिस्ट के छात्रों ने सोमवार शाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया और सांस्कृतिक विविधता को समझने की कोशिश की। ईस्ट सियांग जिले के निंगलोक स्थित सैनिक स्कूल में आज ईस्ट सियांग पुलिस द्वारा इनर लाइन परमिट, यातायात नियम तथा नशा विरोधी संबंधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग के हंगपन दादा कैडेट मैस में आयोजित उक्त जागरूकता कार्यक्रम में रुकसीन थाना के प्रभारी चाको जोसेफ ने स्कूल के उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को इनर लाइन परमिट, यातायात नियम तथा नशा विरोधी नियम और दंड के बारे में विस्तार से बताया। People riding not in two-wheeler vehicle, ध्यान रखना है। Always helmet का उपयोग करें। जब वो two-wheeler चलाता है, हमेशा helmet को पहनना है, helmet को उपयोग करना है। Motorcycle चलाने वाला भी helmet को उपयोग करो, और जो पीछे बैठने वाला भी helmet को पहनना है। आजकल सुप्रीम कोर्ट का सख्त ऑर्डर हो गया है। दूसरा, साइड से जो गाड़ी आता है, हम और लाइट को ऑफ ऑन करें, ताकि हमारा आगे का आदमी को कोई संदेह ना हो, एक्सीडेंट नहीं होगा। सर, पुलिस का कोई अधिकारी आपको ड्राइविंग लाइसेंस को दिखाओ बोलने से आप दिखा सकते हैं,
जब ये गाड़ी वाहन अगर सड़क पर चलाते हैं मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना। थैंक्स फॉर ऑल योर टीम फॉर गिविंग टाइम एंड स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर सुमित झा एसपी हु इमीडिएटली एक्सेप्टेड आवर रिक्वेस्ट एंड सेंट योर टीम हियर फॉर द बेनिफिट ऑफ स्कूल एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल ऑफ अस। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के रहने वाले सुरेंद्र यादव सेव सॉइल मुहिम के तहत देश भर की यात्रा कर रहे हैं और इसी सिलसिले में वो ईटानगर पहुंचे हैं। ईटानगर में उन्होंने आज होली क्रॉस स्कूल के बच्चों से संवाद किया और उन्हें बेजान होती मिट्टी को बचाने के महत्व के बारे में समझाया। सेव सॉइल मुहिम के तहत सुरेंद्र यादव अब तक हजारों किलोमीटर की यात्रा साइकिल से पूरी कर चुकी है। वह कोयम्बटूर से कश्मीर तक अपनी यात्रा का पहला चरण पूरा कर चुके हैं, जबकि द्वारका से अरुणाचल प्रदेश तक वो अपनी यात्रा के दूसरे और अंतिम चरण में हैं। I want all of you to get motivated. He is coming with a team Save Soil and he will enlighten us, guide us and how we need to do our responsibility to keep our mother earth safe. So on behalf of the school, behalf of the school management, sir, I welcome you to the school and I want you to have a interactive session with our children and I am sure they will benefit a lot from this interactive. साइकिल मोटो मतलब सेफ सॉइल करके जो मूवमेंट चल रहा है ये पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है। जैसे कि आप देखा जाए कि सेफ सॉइल कॉन्शियस प्लानेट है, मिट्टी बचाओ, पूरी धरती को जागरूक करना है। जो मिट्टी है उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं, नष्ट होते जा रहे हैं और वैज्ञानिकों ने रिसर्च में बताया है कि ये मिट्टी है ये हमें 40 से 45 साल तक ही अन्न मतलब हमारे पास फसल आ सकती है। जो हमें खाने को गेहूँ चावल अनाज मिल रहा है ये मतलब पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी मिट्टी ये, तो इसको हमें जागरूक होना है, इसको हमें बचाना है और इसके लिए हमें काम करना है। तो लोगों को जागरूक करने के लिए हमने 26 मार्च 2022 को स्टार्ट किया और इस अभियान को इसको स्टार्ट किया सदगुरु जग्गी वासुदेव। उन्होंने लंदन से लेकर भारत तक के अभी तक के कई 27 देशों से मोटरसाइकिल चलाते हुए 30,000 किलोमीटर की यात्रा की और आज तक 70-80 कंट्रीज में मतलब मीटिंग हुआ और लोगों को बताया। उधर की हर एवरी कंट्रीज के सरकारों ने इस पर बात माना है क्योंकि जब मिट्टी पे आप शोध करेंगे देखेंगे कि इसमें किस तरीके से कमी आती जा रही है। जो ऑर्गेनिक कंटेंट पूरी जैसे अब मोटा मोटी एक आप एग्जांपल के तौर पे हमारे बॉडी में अगर हीमोग्लोबिन से विटामिन से किसी की भी अगर कमी आती है तो हम बीमार पड़ जाएंगे, हम फिर काम नहीं कर पाएंगे। तो ये मिट्टी है ये इसी तरह इसमें भी कमी आ गई है ऑर्गेनिक कंटेंट की। पर मेन बात तो ये है इसका रीजन कि ये माँ का दर्जा मिला है इसे हम माँ बोलते हैं। अपर सुबानसिरी पुलिस ने सोमवार को ड्रग्स की कथित डिलीवरी के मामले में दापोरिजो से 2 लड़कियों सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से ड्रग्स, नगद राशि, मोबाइल हैंडसेट सहित कई अन्य चीजें पुलिस ने जब्त की है। हमारे पुलिस अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के जो पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो करीबन 3 बजे आफ्टरनून को कुछ खबर इनपुट मिला था पुलिस को कि यहाँ में ड्रग सब्सटेंस का ये कुछ बिक्री हो रहा है वो कि कहीं शोर से मिला है। देन इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग इंफॉर्मेशन हमारा जो OC टोकन डूबी साहब और उनके टीम और हमारे DSP साहब और मैं कुछ साथ में लोकेशन में गया एंड जो आदमी था उसको हम लोग पकड़ा है। तो अलोंग विथ हमने बहुत सारा सामान सीज किया और डाउटफुल हीरोइन सब्सटेंस जो है डाउटफुल जो हीरोइन सब्सटेंस जो हम लोग ने ये सीज किया है वेइंग अबाउट 6.84 ग्राम एंड फील्ड बाइल्स जो है हम लोग को मिला है 6.84 ग्राम्स और अनफील्ड ये जो है हम लोग का मोर देन 112 नंबर्स मिला है सीज किया है और मोबाइल जो है मोबाइल हैंडसेट 8 नंबर्स सीज किया और विथ कैश अमाउंट ऑफ ₹24,670 एंड बहुत सारा सीरिंज मिला है
लाइटर वगैरह कुछ मिला है, कैश, ये एटीएम कार्ड एक तो मिला है, और ये पर्स भी मिला है, और ये स्मोकिंग लैंप भी मिला है। मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी जो एलिमेंट जो घूम रहा है, पेडलर्स घूम रहा है, और जो भी इनके साथ में जो भी खरीदता है, मैं उन सभी से ये बताना चाहूँगा कि आप ये सब रास्ता को छोड़ देना है, ये सब काम छोड़ देना है, क्योंकि आपका भविष्य बनाने के लिए आप सही दिशा में काम करना है। ये सब ड्रग्स वग ये सब करके आपको अच्छा जिंदगी नहीं मिलेगा। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD News अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।